गाइज आपको पता है YouTube आपको खुद बताता है कि आपकी वीडियो वायरल कैसे होगी। बहुत सारे लोगों को पता होता है जो कि इसका फायदा उठा लेते हैं और अपनी वीडियोस पर व्यूज अच्छे अच्छे खासे लेकर आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जो कि आज की इस वीडियो में आप इस चीज को देखकर आप समझ सकते हो और आप अगर ऐसा अप्लाई करते हो अपने चैनल पर तो आपकी वीडियोज पर भी व्यूज आएंगे। और बहुत सारे लोगों को पता होने के बाद भी, जानने के बाद भी, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता, इसीलिए उनकी वीडियो वायरल नहीं हो पाती और इसी के वजह से इनके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटे का वॉच टाइम नहीं हो पाता। क्योंकि आपको अच्छे से पता है अगर आपकी कोई भी एक वीडियो वायरल हो जाती है तो आपको वही एक वीडियो 4 घंटे का वॉच टाइम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके देती है। तो मैं आज के इस वीडियो में एक ही इस वीडियो के अंदर में 5 टॉपिक को कवर करने वाला हूं और 5 टॉपिक को आप देखकर अपने इनमें से कोई भी एक टॉपिक को फॉलो करके अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो सबसे पहले टॉपिक 1 के बारे में कवर करते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, आप जिस भी बड़े क्रिएटर को देखते हो उनके चैनल पर आपको विजिट करना है, आपने उसके जैसा ही अपना चैनल बना रखा है। जैसे मेरा एक टेक चैनल है तो मैं बड़े बड़े जो टेक्निकल चैनल है उनके चैनल पर जाकर विजिट करूंगा और वहां पर जाकर देखूंगा मैं कि उनकी जो 1 वीक की जो वीडियोस है उनमें नॉर्मल व्यूज होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से एक कोई ऐसी वीडियो होगी जिस पर नॉर्मल से भी ज्यादा व्यूज होंगे, जिस पर 3 लाख 4 लाख व्यूज होंगे। और यहां पर अगर मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना देता हूं तो मेरी वीडियोस पर भी व्यूज आएंगे। तो इसी तरीके से आपको करना है, अगर आप जिस भी क्रिएटर को सबसे ज्यादा मानते हो उनकी वीडियोस को देखते हो बड़े क्रिएटर्स को, तो आपको उनके चैनल पर जाकर विजिट करना है और वहां पर देखना है कि यहां पर इनके जो 1 वीक के अंदर जितनी भी वीडियो अपलोड किया है तो उन वीडियो में से कोई एक ऐसी वीडियो होगी जो काफी ज्यादा वायरल हो गई होगी, उस पर ज्यादा व्यूज आए होंगे, तो आपको उसी टॉपिक पर वीडियोस बना देना। मैं आप लोगों को पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि यहां पर अगर टॉपिक पुराना है, अगर आप 1 महीने 2 महीने वाली वीडियोस को देख रहे हो बड़े क्रिएटर के चैनल पर जाकर और उस टॉपिक पर अभी वीडियो बना रहे हो, तो आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आएगा। आपको यहां पर सिर्फ कम से कम 1 वीक तक की वीडियोस को देखना है और जो भी वीडियो वायरल हो गई उस पर अगर आप उस टॉपिक पर वीडियोस बना देते हो तो आपकी वीडियोस पर डेफिनेटली व्यूज आएंगे और आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। गाइस, ये था पहला टॉपिक जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आपको अपने चैनल पर विजिट करना है। आपको अपने चैनल पर विजिट करने के बाद मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियो को सेलेक्ट करना है। जितने भी आपकी वीडियोस पर व्यूज आए, चाहे वो 1000 2000 या 10000 या 15000 या 1 लाख व्यूज आए, जो आपकी मोस्ट पॉपुलर वाले व्यूज वाली वीडियोस को ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप ओपन करते हो तो आपको करना क्या है, जितनी भी आपके 3-4 वीडियो वायरल हुई है आपको उन टॉपिक्स पर वीडियोस बना देना है। हाँ गाइस, आपको उन टॉपिक्स पर वीडियो बना देना और उस वीडियो को टाइटल और आपको टैग्स सेम रखना, मतलब मिलता जुलता रखना, एकदम ही आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है, और आपको अपनी वीडियो में लगा देना है, ऐसा करना। और थंबनेल जो है आपको सेम नहीं रखना, थोड़ा सा अलग रखना है, क्योंकि अगर आप उस टॉपिक पर मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियोज पर अगर आप 1 और 2-3 वीडियो ऐसे बना देते हो तो आपकी वो 2-3 वीडियो भी वायरल हो जाएगी और आपकी उस वीडियोज पर भी व्यूज आने के चांस बहुत ज्यादा बनेंगे। और आप लोग खुद देखना कि जहां पर आपकी वीडियो पर 10 15 20 या 50 व्यूज आते होंगे और अगर आप मोस्ट पॉपुलर या फिर आप दूसरे के बड़े क्रिएटर्स के चैनल पर जाके विजिट करते हो और उनकी वीडियोस को देखते हो और जो भी उनकी वीडियोस वायरल हो जाती है उन पर भी, अगर उन टॉपिक पर भी वीडियोस बना देते हो ना, तो आपकी जो रेगुलर जो वीडियोस पर व्यूज आ रहे होंगे ना उससे कई ज्यादा गुना आपकी इस वाली वीडियोस पर व्यूज आएंगे, क्योंकि आपने यहां पर अच्छे तरीके से यूट्यूब को समझाया है, उसके बाद आपने यहां पर वीडियोस बनाया तो आपकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाएगी और अच्छे खासे व्यूज आएंगे। तो ये था दूसरा तरीका जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद तीसरा तरीका जो कि आपको यहां पर मैं बता दूं, YT स्टूडियो ओपन करना अपने फोन में। YT स्टूडियो आपको काफी सारी चीजें बताता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो करते हैं और अपने चैनल को ग्रो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है YT स्टूडियो को फॉलो नहीं करते, इसीलिए अपना चैनल को ग्रो नहीं कर पाते। तो तीसरा जो आपको मैं तरीका बता रहा हूं जिससे आप अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो, आपको करना कुछ नहीं, अपना YT स्टूडियो ओपन करना है। यहां पर मैं ओपन कर रहा हूं YT स्टूडियो। उसके बाद आपको एनालिटिक्स ओपन करना है, ठीक है। एनालिटिक्स जैसे आप ओपन करते हो तो यहां पर आपको नीचे आना और यहां पर लिखा होगा टॉप यूट्यूब सर्च टर्म, आपको उस पर क्लिक करना। आप नीचे आप देख सकते हो कितने सारे यहां पर परसेंटेज में, यहां पर ये जो टॉप यूट्यूब सर्च टर्म है ना, देख रहे हो ना यहां पर स्क्रीन पर, यहां पर इन टॉपिक पर काफी लोगों ने आपकी वीडियो को सर्च किया है यूट्यूब पर और काफी लोगों ने आपकी वीडियोस को देखा है। तो आपको क्या करना, सबसे पहला तरीका यही है कि आपको इस टॉपिक पर वीडियोस बनाना, जितने भी आपको यहां पर ये टैग्स दिख रहे हैं जिसमें परसेंटेज में दिखाया जा रहा है, इन टैग्स पर आपको वीडियोस बनाना है। गाइस, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे ही अगर आप इस पर बना देते हो तो आपकी इस वीडियोस पर भी व्यूज आने लग जाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हो, और यहां पर भी आपको अच्छा खासा आपके व्यूअर वॉच टाइम देकर जाएंगे। अब आपने यहां पर ये 2 तरीके मैं बताऊंगा, यहां पर 1 तरीका मैंने यह बता दिया, दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना, इनमें से जो टैग्स है ना, इसमें से 5-6 टैग 6-7 टैग्स को आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल के कीवर्ड में लगाना है। गाइज, हां गाइज, आपको अपने चैनल के कीवर्ड्स में
जहां पर आप अपने चैनल को सर्च में लेकर आते हो ना, वहीं पर जाके आपको अपना ये जो 5-6-7 जो कीवर्ड है उसको यहां पर पेस्ट कर देना। इससे क्या होगा, इससे आपकी वीडियो जहां पर सबसे ज्यादा जो नीचे नजर आती होगी ना, वो आपकी जो वीडियो है वो ऊपर नजर आएगी। और जो भी आप ये टॉप सर्च यूट्यूब टर्म वाली वीडियोस पर अगर आप दूसरी वीडियो बना देते हो, तीसरी वीडियो बना देते हो, तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो भी ऊपर नजर आएगी और लोगों के पास YouTube जो है सजेशन में ज़्यादा भेजेगा, और आपकी वीडियो जहाँ नीचे आती थी वहाँ पर ये ऊपर भी आने लगी। इससे ज़्यादा फायदा हुआ, इससे ज़्यादा आपकी वीडियोज़ का इंप्रेशन YouTube भेजेगा और आपकी वीडियोज़ पर क्लिक आएंगे। तो आपको ये 3 तरीके से काम अच्छे तरीके से करना है, और यहाँ पर हो सके तो थंबनेल जो है काफ़ी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना, अच्छा बनाना है। मिलता जुलता थंबनेल कभी भी नहीं बनाना, थोड़ा अलग बनाना। टाइटल आप सेम रख सकते हो अपनी वीडियो का, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मॉडिफाई कर सकते हो टाइटल को। तो ये 3 तरीके थे। चौथा तरीका क्या है, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सपोज आपको करना क्या है, जो चौथा तरीका मैं बताने वाला हूं, आपने एक वीडियो अपलोड कर दिया आज, ठीक है, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद आपको क्या करना है, अपनी उस वीडियो का जो है एनालिटिक्स ओपन करना है। एनालिटिक्स ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब टॉप यूट्यूब सिस्टम ओपन करना है, ठीक है, और जितने भी टैग वहां पर जिन्होंने भी उस टैग को सर्च करा है उस टैग को कॉपी करना है, और अपने वीडियो के टैग वाले सेक्शन में सारे टैग को पेस्ट करना है, टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन में भी और टैग वाले सेक्शन में भी। आपको ये काम जरूर करना, आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग ये तीनों में वापस से उन कीवर्ड्स को पेस्ट करना है। अगर आपने पहले से टैग वाले सेक्शन में वो कीवर्ड्स लगा रखे और डिस्क्रिप्शन में भी लगा रखे तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं लगा रखे हैं आपने तो इसको लगा लेना। यहां पर आपकी वीडियो का जो SEO काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपकी वीडियो का जो टाइटल है या टैग है अगर कोई भी YouTube पर सर्च करता है तो आपकी वीडियो उनके सामने आएगी और आपकी वीडियो को लोग देखेंगे, और इससे आपको फायदा होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आपको मिलेंगे गाइज। तो इस तरीके से आप इन 4 तरीके से अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो। और एक तरीका और है, मैं आपको ये बता देता हूँ लास्ट तरीका, ये 5वां तरीका जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला। आपको करना कुछ नहीं, अभी चल रहा है 2022, अगर तेजी से आपको ग्रो करना है तो आप लॉन्ग वीडियो भी डालो, शॉर्ट वीडियो भी डालो। शॉर्ट वीडियो के जो व्यूवर्स है वो आपके लॉन्ग वीडियो में कन्वर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो आपको शॉर्ट वीडियो ज्यादा डालना है, और लॉन्ग वीडियो आपको दिन में 1 डाल सकते हो आप, और शॉर्ट वीडियो आप हो सके तो रोज डालो, 2 या 3 शॉर्ट वीडियो डाल सकते हो, लेकिन लॉन्ग वीडियो को आपको रोज 1 डालना है। शॉर्ट वाले जो सब्सक्राइबर है वो धीरे धीरे लॉन्ग वीडियो भी देखने लगेंगे और यहां पर आपकी वीडियोस पर व्यूज ज्यादा आने लगेंगे। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो और अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया सारी चीजें। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरी ऐसी जनरल वीडियो मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।